अरे यार मम्मी, भूख लगा है, खाना तैयार हो गया? नहीं बेटा, खाना बनने में लेट होगा, मैगी बना के दो तो खा ले। यार मैगी मैगी, ये मैगी खा के बाल भी मैगी जैसा हो गया मेरा। अरे क्या हो गया मेरे राजा बेटे को, हाँ मुँह क्यों लटका हुआ है? अरे देखिए ना पापा, भूख लगा है, भूख के मारे पेट के अंदर चूहे कूद रहे थे, कूदते कूदते वो भी मर गए। मम्मी का खाना भी तैयार नहीं हुआ। क्यों तुझे ना पता, आज तो खाना बनने में थोड़ा लेट होगा। किस लिए? ऐसी कोई बात नहीं है, आज हमारे घर में मेहमान आने वाले हैं, तो कुछ स्पेशल बना रही है तेरी माँ, इसलिए थोड़ा लेट हो रहा है। अभी बिन बुलाए कौन टपक रहा है? वो मेरे दादाजी के बेटे के भतीजे के साले का लड़का। तो कैलकुलेशन के मुताबिक मेरा क्या हुआ? तू चाचा बोल दियो अपना। हाँ जी, सुनते हो? हाँ आता हूँ, तेरी माँ बुला रही है, मैं आता हूँ अभी। पता नहीं कौन आ रहा है साला, उसके वजह से मुझे खाना नहीं मिल रहा। एक और चूहा कूद रहा है, वो भी मर गया। ए, उठा ले रे देवा। हाँ बाप बोल। ग्राउंड पे कितने बजे? 3 बजे। हाँ ठीक है, पहुंच जाऊंगा। किधर जाने का प्लान हो रहा है तेरा? वो बॉब ने फोन किया था 3 बजे, क्रिकेट खेलने जाना है ग्राउंड पे, सारा दोस्त आ रहे हैं। मैं और तेरी माँ बाजार जा रहे हैं कुछ जरूरी काम से, अगर हमारे आने तक तेरे चाचा जी आ गए तो ठीक, वरना तू उन्हें कंपनी देगा, समझा कुछ? हाँ जी। अच्छा बेटा मैं चलता हूँ, तेरी माँ तैयार हो गई, हम आते हैं, घर का ध्यान रखना ठीक है। वो भोसड़ी का ना मेरा यार है ना मेरा दोस्त है, मैं उसे कंपनी क्यों दूंगा? लगता है आ गया। अब जाता हूँ, चाहे जाके स्वागत करता हूँ साले का। कबाड़ी बनाओ बेटा, घर में कोई कबाड़ पड़ा है? हाँ मैं ही तो पड़ा घर में कूड़ा, आके ले जा मुझे, उठा के ले जा, आ जा। हाँ तो चलो मेरे साथ, चल निकल। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं भोसड़ी वाले, एक तो सुबह से खाने का नहीं मिल रहा, ऊपर से ये लोग परेशान करने आ जाते हैं। कौन आ गया? कबाड़ी वाला, तुम्हारे साइज का थल्ला नहीं गया था बेटा, अब आ जाओ। तेरी तो रुक रुक, भागता का है, दोबारा दिखा तो टांगे तोड़ के रख दूंगा तेरी। पता नहीं सुबह किसका मुंह देख के नींद खुला था मेरा आँख। दोबारा आ गया तो तू गया बेटा, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता, रुक। अरे मार डाला, तोड़ डाला, फोड़ डाला रे। सॉरी सर, माफ कर दीजिए, मुझे लगा कोई और होगा, आपको ज्यादा लगा तो नहीं। वैसे कौन है आप? तेरा चाचा। अयो तोड़ डाला मेरा नाक। क्या स्वागत किया बेटा, बढ़िया, तोड़ डाला मेरा नाक पूरा। अरे चाचा माफ कर दीजिए, चाचा पैर पड़ता, चाचा माफ कर दीजिए चाचा। स्वागत वाला खातिरदारी तो बहुत अच्छे से किया, अब जरा अंदर आऊं मैं। हाँ चाचा अंदर ही आना। घर में मेहमान आते हैं तो उनसे कुछ पूछते नहीं है क्या? ओ सॉरी। तो कैसे है चाचा, घर में सब बढ़िया है? बेटा मैं खाने पीने की बात कर रहा हूँ। ओ सॉरी, तो क्या खाएंगे आप चाचा? बेटा खाना तो खिला चुके हो बहुत अच्छी तरीके से, अब कुछ पिला भी दो। तो क्या पियेंगे आप चाचा? एक एक छोटा सा पेग मिल जाता तो मजा आ जाता। तो आपके पास 3 ऑप्शंस है, ए चाय, बी कॉफी या सी पानी। और ये डी किधर गयो? डी हमारे ऑप्शन में नहीं है, तो मेहरबानी करके थोड़ा सा चाय ही पिला दियो। तो देवी और सज्जनों वाले चाचा जी, आपके जानकारी के लिए बता दे कि चाय और कॉफी आप चूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये दोनों बनाने के लिए मुझे किचन जाना पड़ेगा। किचन में अभी ताला लगा हुआ है, ताले की चाबी मम्मी के पास है, मम्मी पापा दोनों घर से बाहर गए, तो आपके पास बचता है सिर्फ ऑप्शन सी। तो सी लॉक कर दो बेटा मेहरबानी करके।
सी लॉक करो। तो कंप्यूटर जी ऑप्शन सी लॉक किया जाए। सही जवाब। बताओ चाचा क्या है ये लीजिए चाचा पानी पीजिए। क्या हुआ क्या हुआ ऐसे क्या देख रहा है तू? वो कुछ नहीं बस एक बात याद आ गया। वो भी बोल दे क्या? वो क्या है कि हमारे घर में अगर कभी भी कोई भी मेहमान आता है तो थोड़ा बहुत पॉकेट मनी देते हैं मुझे। जेब में 500 ही पड़ा था ये ले। अरे चाचा अब इसका क्या जरूरत? तो ठीक है तो ठीक है। नहीं नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं। ओह नो लगता है पापा आ गए क्योंकि मैं देखता हूँ। क्यों बेटा आ गए तेरे चाचा? अरे आप चलिए तो अंदर बैठे लीजिए मिलिए चाचा जी से। ये कौन है? हैं थारो रिश्तेदार मारो चाचा लागे छे। जी आप कौन? मैं कौन? इस घर का मालिक ब्रिजेश और आप बिरजू। तू मिस्टर मनोज का घर? उनका घर बाजू वाले बिल्डिंग में। सॉरी माफ कीजिएगा। खाया पिया कुछ नहीं बेकार में 500 रुपए गवा बैठे। पार्टी होगा आज तो। और तू? हाँ ऐसे ही किसी को अंदर आने देगा तू? मैं थोड़ी ना पहचान तो मैं कैसे पहचानूंगा? उमड़े बचपन के दोस्त थोड़ी ना है। अरे नंगे पुंगे दोस्त थोड़ी ना है। वो बाप से बहस करेगा? अपने बाप से बहस करेगा तू? खाना तैयार है। आया मम्मी तेरा खाना बंद। अरे यार पापा ये कोई बात थोड़ी ना है अब मैं क्या खाऊंगा? अच्छा खाना 3 बजने वाले ग्राउंड पे चले जा। अबे बैट मिलेगा बॉल मिलेगा विकेट मिलेगा खा के आ जाना ठीक है बेटा चलो।